हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पार्किंग माइंड्स। आज हम एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं। ये सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, तो लेट्स ट्राई कि क्या बनाने जा रहे हैं। मैं बनाने जा रही हूँ चिली गोभी। तो चिली गोभी बनाने जा रही हूँ, उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है गोभी। तो गोभी हमने काट ली है, ये मैंने देखिए स्मॉल पीसेस कट किए हैं इतना साइज़ का, और उसको पहले मैं बॉयल करूँगी। बॉयल करके मैंने पैन में उसको डाल लिया मेरा, और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी नमक, इसमें जाएगा सॉल्ट। मैं गोभी, वैसे मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ, तो वो मेरी हैबिट है कि मैं गोभी को हमेशा जो है बॉयल करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि गोभी जो होती है वो स्प्रे वगैरह बहुत किए होते हैं, वैसे भी गोभी में वॉर्म्स वगैरह निकल जाते हैं, तो इसलिए हम उसको वॉश कर मतलब बॉयल करते ही करते हैं। मैंने शुरू से अपने घर में भी देखा है बॉयल करते हैं, तो इसलिए पहले गोभी में को मैं करती हूँ बॉयल। और जब चिली गोभी बना रहे हो तो उसकी सबसे मेन चीज़ होती है कि गोभी आपकी क्रिस्प कितनी है। तो वो कैसे बनाएंगे ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हम करते हैं गोभी को बॉयल। मैं इसको ढक देती हूँ, जल्दी हो जाएगी, तो इसको बॉयल होने देते हैं। इतनी देर में मैं एक साइड पे काट रही हूँ अनियंस। तो हमारी गोभी हो गई है बॉयल, और उसको हमने पानी गर्म पानी से निकाल के ठंडे पानी में निकाल लिया एक बार अच्छे से। और अब इसकी हम करेंगे ड्राई कोटिंग। हमें चाहिए मैदा, और जितना मैदा उतना ही कॉर्नफ्लोर डालना हमें। ये 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला, 2 ही टेबलस्पून मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी जियाने के, जिसको बोलते हैं अरारोट कॉर्नफ्लोर। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, मैं ये रखती हूँ ग्राइंडर वाला, बिकॉज जो ब्लैक पेपर होता है वो तभी ग्राइंड करके जब को उसका ना काली मिर्च के जो दाना होता है उसमें एक ऑयल होता है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसको फ्रेशली ग्राइंड किया हुआ बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं लॉन्स की यूज़ करती हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करने के लिए हम ये करेंगे कि ढक्कन लगा के क्योंकि मैं अगर स्पून के साथ करती तो जो इसका गोभी टूट जाती है, और फिर मॉइस्चर का भी वो फ़र्क पड़ता है, मॉइस्चर निकल जाता है, क्योंकि इसमें गोभी में ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इस तरह से वो मॉइस्चर गोभी का सोक कर लेता है जो कॉर्नफ्लोर और मैदा होता है। अब हम अभी तो ड्राई हमने कोटिंग इसको की है, अब हम बनाएंगे इसका मिक्सचर। फिर हम वही 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। वैसे ये इतनी हेल्दी नहीं है, बट वंस इन अ वाइल खा सकते हैं, और घर पे बनी हो तो और अच्छा है, क्योंकि बाहर का पता नहीं कैसे बना होता है। हम इसमें ना थोड़ा सा वो भी डालेंगे ऑयल, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने तो ऐसे 1-1 टेबलस्पून डाला। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ये जो क्रिस्प आएगा ना गोभी में उसके लिए है ऑयल। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसको मिक्सचर बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्ब्स ना बने बीच में। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि लम्ब्स ना बने। एक तरफ मैंने पैन में रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए, फ्राई करना है इसको। उसके लिए इसमें भी हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको थोड़ा करना मुश्किल लगता है, बट फ़ायदेमंद यही है। अभी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया, देखिए। इसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क है इसको मिक्स करने के लिए, और अब मैं ये गोभी इसमें डालूँगी। अब इसको मिक्स करना अच्छे से ताकि कोटिंग अच्छे से आ पाए गोभी के, एक एक गोभी के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ पाए। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। मीडियम उस पर रखा है हमने, एक एक गोभी को डालेंगे अंदर। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये इस तरह के हो जाएं थोड़े थोड़े ब्राउन कलर के, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और जो बाकी की रह गई है उसको अब डाल देते हैं।
फर्स्ट टाइम जब फ्राई किया था तो ऐसे इस कलर से थोड़ी सी ब्राउन ब्राउन होके गोभी को निकाल दिया, इसको हमने ठंडा किया। अब इसको रीफ्राई करेंगे, जो फिर इसका क्रिस्प है वो बना रहेगा। अब इसको रीफ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और अब जब गर्म इसको फ्राई करेंगे तो जो तेल है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म। पहले हमने मीडियम फ्लेम पे किया था, अब बिल्कुल तेज़ गर्म, क्रिसमस इसीलिए आएगी इसको ना। हाँ, पर थोड़ा ना गोभी को ठंडा होने दीजिए। अब सारे एक साथ हमने गोभी डाल दी है क्योंकि हमने पहले फ्राई तो कर ही लिया था, अब इसको तेज़ फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे हम इसको रीफ्राई कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर और डार्क हो गया, वो गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया। तो अब हम इसको निकालेंगे, ये जो दोबारा हम ये रीफ्राई करते हैं ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हो जाएगी दोबारा रीफ्राई करने पे। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा वो पैन था जिसमें मैंने फ्राई किया था, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। ऑयल मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, मैंने बस 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें लिया है क्योंकि नॉनस्टिक है तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे भी वो फ्राइड है तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब मैंने इस बारीक बारीक जो है लहसुन, मतलब गार्लिक चॉप करके रखा है और अनियन है, तो उसको हम बारीक जो चॉप किया हुआ है उसको डाल लेंगे एक साथ ही। बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, हल्का सॉटे करना है, बस कच्चापन इनका ना आए इतना करना है, कच्चापन चला जाए इनका। ऐसे जो मतलब कि जैसे चिली गोभी है, चिली पटैटो है, इसमें गार्लिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेन टेस्ट होता है इसका। एक्चुअली मैंने प्याज और अनियन और शिमला मिर्च मैंने कट करके रख ली है नॉर्मल पीसेस में, आप देख सकते हो मीडियम पीसेस कट किए हैं। प्याज को मैंने चारों तरफ से कट लगा के इसके जो ये रिंग्स होते हैं वो निकाल लिया, और बीच वाला जो गोल पार्ट होता है उसको मैंने चॉप कर लिया था इसके लिए। तो मैंने 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, तो इसके जो रिंग्स हैं वो मैंने निकाल लिए, जो बीच वाला गोल पार्ट था उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके इसमें यूज़ कर लिया गार्लिक के साथ। अब इसको हल्का सॉटे होने देंगे। इसमें हम रेड बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम जिंजर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको पहले भी पता है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, ना ग्रीन चिली खाते हैं, ना ही वो जिंजर खाते हैं, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में, अदरवाइज़ वो नहीं खा पाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये सब्जियाँ। एक और चीज़, इसमें वो जो ग्रीन अनियन होता है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है ऊपर से गार्निशिंग के लिए, उसके जो ग्रीन ग्रीन रिंग्स होते हैं, बट वो मैं मेरे पास नहीं था अवेलेबल तो मैंने नहीं यूज़ किया, बट उसको गार्निशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है वो। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। मैंने ये सॉसेस तैयार कर रखे, ये मैंने लिए है रेड गार्लिक चिली सॉस, ठीक है, ये है मेरी कैचअप, ये है मेरा विनेगर, मेरे पास नॉर्मल विनेगर नहीं था, चिली विनेगर था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें भी, और ये है मेरी सोया सॉस। तो इनको मैं यूज़ करूँगी, ये चारों बहुत मेन रोल प्ले करेंगे अभी इसमें आगे। इसमें ये सॉसेज डालेंगे, इनमें सॉसेज में भी जो सॉल्ट होता है, तो इसलिए मैं इसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालती, हमने ऑलरेडी गोभी के बैटर में और ड्राई जो हमने वो तैयार किया था उसमें भी हमने डाला था, तो ऑलरेडी उसमें सॉल्ट है, तो इन सॉसेज में भी सॉल्ट होगा, तो मैं एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डाल रही हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, मेरे ख्याल से बहुत हो गया, इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर वो चीज़ नहीं आएगी, वो क्रिस्पन नहीं रहेगा। थोड़ी सी, मैं तो अंदाजे से ही डालती हूँ, सोया सॉस हो गई, विनेगर, केचप, केचप में थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ, कलर आएगा। अच्छा, केचप बहुत सारी आती है पर मैं शुरू से मैगी की केचप यूज़ करती हूँ, मुझे और किसी में वो टेस्ट ही नहीं आता। रेड गार्लिक चिली, अब इसमें हम डालेंगे अपनी क्रिस्प गोभी, इसको मिक्स करेंगे। काट दे उसे, ये हमारी चिली गोभी बनके तैयार है, और अब मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट कराती हूँ और फिर रिव्यू लूँगी।
मैं तो पहले प्याज खाऊंगा। महंगी चीज है, अब तो सस्ते हो गए। प्याज अच्छे हैं। अरे गोभी खाओ ना। अच्छा क्रिस्प है गोभी? देखने में तो लग रही है। हाँ आवाज से ही लग रहा है ना? कड़च करके आवाज आ रही है। कैसा है? यम्मी, ऑसम। सच में बोल रहे हो कि डर के मारे बोल रहे हो? सच में। मुझे पता है तुम डरते नहीं। थैंक यू। तो हमारे चैनल फोक रख दो, सब डर जाएंगे। तो ये वीडियो हमारा लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं आगे की नोटिफिकेशंस के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना। अपनी हाथ चूम लूँ तो एक्चुअली अच्छा बना। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए आगे के नोटिफिकेशंस के लिए और टेक केयर। अगले वीडियो के लिए वेट करते हैं। बाय।